मायोइनोसिटॉल सेल डिवीजन में एक रोल प्ले करता है क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड एंड पेक्टिन में ब्रेक डाउन हो जाता है और इसका फिर इनकॉर्पोरेशन फॉस्फोइनोसिटाइड्स एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल में होता है। ये दोनों एलिमेंट्स जनरली प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर मीडिया में 50 to 5000 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। अमीनो एसिड्स भी कल्चर मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अमीनो एसिड्स एक डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन में आवश्यक होते हैं टिश्यू की एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, और ये अमीनो एसिड्स प्लांट्स द्वारा जनरली सिंथेसाइज किए जाते हैं। और कुछ अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड मिक्सचर्स आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग कल्चर्स ऑफ सेल्स एंड प्रोटोप्लास्ट। कई सेल्स के या प्रोटोप्लास्ट के कल्चर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स आवश्यक होते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोवाइड प्लांट सेल्स विद अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इजीली असिमिलेटेड बाय टिश्यूज एंड सेल्स फास्टर देन इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स। अमीनो एसिड्स प्लांट सेल्स को एक नाइट्रोजन सोर्स प्रदान करते हैं और ये नाइट्रोजन सोर्स टिश्यूज और सेल्स के फास्टर ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अमीनो एसिड मिक्सचर जैसे कि केसिन हाइड्रोलाइसेट, एल ग्लूटामिन, एल एस्परजीन एंड एडिनिन, ये अमीनो एसिड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की सोर्स की फॉर्म में टिश्यू कल्चर मीडिया में। केसिन हाइड्रोलाइसेट इज़ जनरली यूज एट कंसनट्रेशन बिटवीन 0.25 to 1 ग्राम पर लीटर। अमीनो एसिड्स यूज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेल ग्रोथ इन कल्चर मीडिया इंक्लूड ग्लाइसिन 2 मिलीग्राम पर लीटर, ग्लूटामिन अप टू 8 मिलीमोल पर लीटर, एस्पारजिनिन एट 100 मिलीग्राम पर लीटर, एल आर्जिनिन एंड साइटिजिन एट 10 to 10 मिलीग्राम पर लीटर एंड एल टायरोसिन 100 मिलीग्राम पर लीटर। इस रेंज में ये कंसनट्रेशंस में ये यूज़ किए जाते हैं। इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा टिश्यू कल्चर मीडियम में सॉलिडिफाइंग एजेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स जैसे कि हार्डनेस या के लिए एगार का यूज़ करना। हार्डनेस ऑफ कल्चर मीडियम ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ कल्चर टिश्यूज। देयर आर अ नंबर ऑफ जेलिंग एजेंट्स सच एज एगार, एगरोज एंड जेलान गम। ये सब सॉलिडिफाइंग एजेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। एगार एक पॉलीसेकेराइड है जो कि एक समुद्री वीड द्वारा प्राप्त किया जाता है। जनरली ये अधिकतर साइंटिस्ट द्वारा जेलिंग एजेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है, और जेलिंग एजेंट्स अर्थात सेमी सॉलिड फॉर्म में कल्चर मीडिया में को सॉलिडिफाइंग करने के लिए काम में लेते हैं। एगार को यूज़ करने का बहुत एडवांटेजेस हैं दूसरे जेलिंग एजेंट्स की अपेक्षा, क्योंकि ये वाटर में मिक्स हो जाता है, ये इजीली मेल्ट भी हो जाता है कम टेम्परेचर्स पर, जैसे कि 60 to 100 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट भी हो जाता है, एंड 45 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ये सॉलिडिफाई भी हो जाता है। ये एक स्टेबल जेल बना लेता है ठंडा होने के पश्चात, और काफ़ी प्रैक्टिकली यूजेबल है, और इंक्यूबेशन टेम्परेचर्स पर ये फिजिबल भी है या प्रैक्टिकली पॉसिबल है यूज़ करना। ये एगार जेल्स मीडिया के दूसरे कंस्टिट्यूएंट से रिएक्ट भी नहीं करते हैं और ना ही प्लांट एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट किए जाते हैं। तो ये इस तरह जनरली मीडिया कल्चर में काम में लिया जाता है, और इसकी कंसंट्रेशन रेंज जो होती है वो होती है 0.8 से 1
percent. Pure agar preparations are of great importance, especially in experiments dealing with tissue metabolism. Agar contains calcium, magnesium, and trace elements. On comparing different agar brands, ये different brands हैं Bacto, Noble and Purified Agar, in concern with contaminants. Amounts of some contaminants were higher in purified agar than in Bacto agar. ये different brands हैं ये agars के, ये different companies द्वारा sell किए जाते हैं और ये इनके कंटेमिनेंट के बारे में बताया गया है. रिडक्शन ऑफ कल्चर मीडिया कॉस्ट इज कंटिन्यूअली टारगेटेड इन लार्ज स्केल कल्चर्स एंड सर्च ऑफ चीप ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड दैट वाइट फ्लावर पोटैटो स्टार्च राइस पाउडर वर एज गुड जेलिंग एजेंट्स एज एगार. इट वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ड्री स्टार्च पोटैटो स्टार्च एंड Semolina in a ratio of 2:1:1 reduced cost of gelling agents by more than 70%. Solidifying agents के अलावा देखिए growth regulators की भी आवश्यकता हो सकती है. ये हम अपनी requirement के अनुसार ही इनको डाल सकते हैं. Plant growth regulators are important in plant tissue culture since they play vital role in stem elongation, tropism and apical dominance. They are generally classified into the following groups, जैसे कि auxins, cytokinins, gibberellins and abscisic acid. Moreover, proportion of auxins to cytokinins determines the type of extent of organogenesis in plant cell cultures. देखिए different growth regulators जो use करे जाते हैं tissue culture medium में वो हमारी डिज़ायर पे है कि हमको टिश्यू कल्चर में कौन सा ऑर्गन ग्रो करना है. इनको डिफरेंट प्रोपोर्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है और इन कॉम्बिनेशंस की कंसंट्रेशन पर ही कल्चरिंग टिश्यूज़ की ऑर्गेनोजेनेसिस डिपेंड करती है. ऑक्सिन्स में जैसे कॉमनली यूज किए जाते हैं इंडोल एसिटिक एसिड जिसको कि IAA कहते हैं, IBA, 24D, NAA, ये डिफरेंट ऑक्सिन्स हैं. कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी यूज़ किए जाते हैं कल्चर मीडिया में जैसे कि 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या पैरा क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. इसके अलावा 2,4-5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसको कि 2,4-5-T कहा जाता है और इसके अलावा 3,6-डाइक्लोरो-2-मीथॉक्सीबेंजोइक एसिड एंड 4-अमीनो-3,5-6-ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड या पिक्लोरैम. एक्सक्यूज मी. ऑक्सिन्स डिफर इन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इन द एक्सटेंट टू विच दे ट्रांसलोकेट थ्रू टिश्यू एंड आर मेटाबोलाइज. ऑक्सिन्स अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफर करते हैं क्योंकि वो टिश्यूज द्वारा डिफरेंट एरियाज में ट्रांसलोकेट होते हैं एंड मेटाबोलाइज भी किए जाते हैं. स्टेम कर्वेचर असेज स्टूडेंट्स आपको अगर ध्यान होगा तो 8-12 टाइम्स हायर एक्टिविटी वॉज रिपोर्टेड ऑन यूजिंग 2,4-D देन IAA और इसी तरह 4 times हायर एक्टिविटी वॉज रिकॉर्डेड फॉर 2,4-5-T इन कंपेरिजन विद IAA एंड NAA. तो इस तरह से इनकी एक्टिविटी डिफर भी करती है. टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन्स जनरली कैलस प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं. कैलस स्टिमुलेट करने का अर्थ है सेल ग्रोथ करना और शूट इनिशिएशन एंड रूट इनिशिएशन के लिए कुछ हद तक हम एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए भी इन ग्रोथ रेगुलेटर्स को काम में लिया जाता है. ऑक्सिन NAA एंड 2,4-5-D आर कंसिडर टू बी स्टेबल एंड कैन बी स्टोर्ड एट 40°C फॉर सेवरल मंथ्स.
एन टू फोर डी को भी कई महीनों के लिए स्टोर किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर्स में एट -20 डिग्री सेल्सियस, और इवन लॉन्गर पीरियड्स के लिए भी इनको स्टोर किया जा सकता है विदाउट इनकी एक्टिविटी को लॉस किए। परंतु जनरली प्रिफर ये करते हैं कि आइए ये ऑक्सीजन सॉल्यूशन को मीडिया प्रिपरेशन के समय ही फ्रेश प्रिपेयर किया जाए। आइए सॉल्यूशन को एम्बर बॉटल्स में 40 डिग्री सेल्सियस या इसके बिलो टेम्परेचर्स पर भी स्टोर किया जा सकता है। कुछ ऑक्सीजन लाइक कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि एक्टिविटी में थोड़ा डिफर भी करते हैं, वेरी करते हैं, और कुछ कल्चर मीडियम में फिर यूज़ भी किए जाते हैं। ऑक्सीजन्स के अलावा साइटोकाइनिन्स भी यूज़ करे जाते हैं। साइटोकाइनिन्स कॉमनली यूज इन कल्चर मीडिया इंक्लूड BAP, देन कार्निटिन, 6-फर्फ्यूराइल मिथाइल एच प्यूरिन, 6-अमीन, जियाटिन एंड TDZ। ये सारे साइटोकाइनिन्स यूज़ किए जाते हैं। जियाटिन एंड 2IP आर नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स एंड जियाटिन इज़ मोर इफेक्टिव इन कल्चर मीडिया। साइटोकाइनिन्स प्रूव टू बी स्टूलेट सेल डिवीजन, इंड्यूस शूट फॉर्मेशन एंड एक्जिलरी शूट प्रोलिफरेशन टू रिटार्ड रूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन्स का ये सब रोल होता है। साइटोकाइनिन्स कल्चर मीडिया में रिलेटिवली स्टेबल टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस या इससे बिलो टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं। साइटोकाइनिन्स जनरली डिजॉल्व नहीं होते हैं, परंतु कभी कभी 1NHCl की फ्यू ड्रॉप्स के साथ इनको डिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन को DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड द्वारा भी डिजॉल्व किया जा सकता है और इससे प्लांट को कोई इंजरी भी नहीं होती है। फिर आ जाते हैं जिब्रेलिन्स पे। जिब्रेलिन्स देखिए, जिब्रेलिन्स कंप्राइज मोर देन 20 कंपाउंड्स, ऑफ विच GA3 इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जिब्रेलिन। दीज कंपाउंड इन्हेंस ग्रोथ ऑफ कैलस एंड हेल्प इलांगेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांटलेट्स। अदर ग्रोथ रेगुलेटर्स आर समटाइम्स एडेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया एज एब्सिसिक एसिड, ए कंपाउंड दैट इज यूजली सप्लीमेंटेड टू इनहिबिट और स्टिमुलेट कैलस ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। इट एनहेंसेज शूट प्रोलीफरेशन एंड इनहिबिट्स लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऑल्दो ग्रोथ रेगुलेटर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीडियम इन्ग्रेडियंट, दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द मीडियम कॉस्ट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल कंसनट्रेशंस। ए कंपेरिजन ऑफ ऑल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया अपियर्स इन टेबल 1, विच वॉज गिवन इन द अपेंडिक्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द टेक्निकल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये यहाँ पर आपको कुछ हमने ग्रोइंग टिश्यूज़ दिखाए हैं कल्चर मीडियम में जो ग्रो हो रहे हैं, ये टिश्यू ये टेस्ट ट्यूब्स में ग्रो किए गए हैं, ये देखिए। और इसमें ये नीचे जो है ये कल्चर मीडिया हैं, ये कल्चर मीडिया हैं। इसके अलावा ये जो है सेकंड जो स्लाइड है, ये इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं कैलस ग्रोथ। तो ये भी कैलस जो है वो कल्चर मीडिया पर ही ग्रो हो रहा है। यहाँ देखिए, ये एक टेबल है। इस टेबल में ये सारे प्रकार के ये मीडिया दे रखे हैं, जैसे ये MS मीडिया है, ये G5 मीडिया है, और इसी तरह ये डिफरेंट वाइट्स मीडियम है, ये डिफरेंट मीडियाज़ हैं। इन मीडिया में डिफरेंस ये होता है कि कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी डिफ़र करती हैं, जैसे कि ये क्वांटिटीज जो है वो MS मीडियम में जैसे NH4 NO3 की क्वांटिटी ये है, तो G5 मीडियम में इसे लिया ही नहीं गया है। तो ये डिफरेंट
साइंटिस्ट द्वारा जो स्टैंडर्डाइज किए गए हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के कंसंट्रेशंस, उस पर बेस्ड इन न्यूट्रिएंट मीडिया के नाम भी दिए गए हैं, है ना, जैसे कि MS मीडिया, G5 मीडिया, W मीडिया, और ये डिफरेंट टाइप के मीडियाज, NN मीडिया, KM मीडिया, M मीडिया। यहाँ पर ये सारे मैक्रो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि ये Ca3PO4 है, NH4NO3 है, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस तरह से ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं। जबकि यह सेकेंड कॉलम में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, है ना, ये इनके डिफरेंट कंसंट्रेशंस, ये देखिए। इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, विटामिन्स। विटामिन्स देखिए, ये सप्लीमेंट्स है, अकॉर्डिंग टू नीड हम डालते हैं, इनोसिटॉल, ग्लाइसिन, थायमिन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, कैल्शियम पेंटोथिनेट, सिस्टीन HCl, राइबोफ्लेविन, बायोटिन एंड फोलिक एसिड। तो डिफरेंट मीडियाज़ में इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये सब मिला करके एक कल्चर मीडिया को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एक कल्चर मीडिया में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हम ऐड करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं और उनको टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं। कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं तो डिसॉल्व करने के लिए उनके लिए स्पेसिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, जिससे कि मीडिया में वो डिसॉल्व हो सकें। तो ये डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडियाज टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। MSc फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारी जानकारी बहुत ही आवश्यक है, तो ये स्टूडेंट्स ध्यान दें और इनको नोट कर लें। थैंक यू।